Hey guys, we've got you the much-awaited joint interview for all Million Dollar Girl fans. Avanti and Virat are with us to share some fun moments and speak about their first opinion about each other and much more. First impression kya sanna ko to bahut pehle se TV mein dekhte hain. She's a seasoned actor hain aur इनको पता है ये तो जो है हमारे इससे पहले गुस्ताख दिल में भी इनको देखते हुए आए हैं तो हम नर्वस थे भैया अब सीनियर एक्टर आ रहे हैं तो कैसे परफॉर्म करेंगे इनके सामने तो बहुत डर था नहीं जैसा सोचा था वैसे ही है शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर और जो है इनके साथ काम कर कर समझ में आया कि एक्टिंग क्या होती है ठीक है तो अभी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मैडम के साथ और सीख रहे हम अच्छी डांग की जाएगी इन्होंने मैं अपनी तरफ से बोलती हूँ मुझे क्या लगा एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे कुछ क्लिपिंग्स देखी थी फिर मैं आई और मैं अपने रूम से बाहर निकली और मैंने देखा दूसरे रूम में बगल वाले रूम में हीरो है और हीरो ने दरवाज़ा खोल के बोला हाय सना एंड आई थिंक दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम क्योंकि सामने से आके जिस तरह से हाय बोला तो इट्स काइंड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द आइस एंड आई थिंक फ्रॉम देन काफ़ी कम्फर्ट जोन हमारा अच्छा है काम करने का हमें मस्ती करने का टाइम नहीं मिलता बट हाँ जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम इनफैक्ट हम दोनों ही नहीं सारे एक्टर्स की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और हम सब लोग साथ में ही बैठते हैं भुवन डीजे और भी जितने भी कैरेक्टर्स हैं जिनका सब साथ में खाना खाते हैं सब साथ में बैठते हैं या तो इट्स मोर लाइक अ फैमिली देन द एक्टर एक्टर थिंग तो मज़ा आता है बहुत साथ में काम करने में और अभी सना भी इस पार्ट ऑफ द फैमिली तो बहुत मज़ा आ रहा है साथ में एक्चुअली आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू देम फॉर एक्सेप्टिंग मी वरना एक नए किरदार को एक्सेप्ट करना किसी भी शो में वैसे तो हर सेट पे बहुत वेलकमिंग ही होता है लेकिन यहाँ पर सारे यंगस्टर्स हैं गईयों का पहला शो भी है और आई एम अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम ग्लैड या सब अंडर 20 हैं ये 17 की मैं 19 का तो काफ़ी फन रहता है मतलब हमारी एज ग्रुप में ऐसा ही रहता है मतलब अभी हम लोग एक्टिंग कम और फन ज़्यादा करते हैं सेट पे जो किरदार हम निभा रहे हैं हम उतने ही एज के ना हम हैं इतने ही एज के उससे भी कम है I am 20. You? Yeah, 17. You just said that. So yeah. Actually, I think it's too soon to say anything, right? It's just been a week or something. मुझे सना की आवाज़ बहुत पसंद है. मतलब जो इनकी voice modulation है, मतलब जिस तरीके से ये उठा गिरा के जो चीज़ें बोलती हैं scenes के अंदर, मुझे वो बहुत पसंद है. मैं तुम्हें कहीं बोली नहीं पाती, but trust me, मुझे तुम्हारी जो है आवाज़ बहुत पसंद है. And she's an RJ, तो obviously जो है मैं ये मेरी तारीफ जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ तारीफ नहीं आप लोगों को पता है सना की आवाज़ बहुत ही अच्छी ही इज़ अ वेरी सटल एक्टर अभी तक के जो किरदार ये निभा रहे हैं इसमें बहुत सटल हैं बहुत सटल एक्टिंग कर रहे हैं बहुत सटल प्ले कर रहे हैं बिकॉज जितनी लाउड अवंती है मैं उसे बहुत लाउड तो नहीं प्ले कर रही बट मैं अपने तरीके से जितना कर सकती हूँ लाउड मैं उतना कर रही हूँ और उतने ही सटल ये हैं तो जितना वो चिल्ला के भड़क के बात करती है या हल्की सी एक लाइन तुम्हारा नाम क्या है बसंती एकदम मतलब वैसे बोल के निकल जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है तो वो जो कॉन्ट्रास्ट है और जो केमिस्ट्री में जो चीज़ चाहिए वो प्रॉपर इनपुट है इनकी तरफ से He's not over the top even in real life. He's damn reserved और मतलब ऐसा भी नहीं कि friendly नहीं है friendly होने के बावजूद भी ये काफ़ी अपने zone में है और जैसे कभी कभी खुद भी बोलते हैं उनसे बात करते रहो और थोड़ी देर के बाद विक्रम का कोई reaction आता नहीं है and then I go to विक्रम and I say कि you don't understand what I say ना तो he says actually I'm lost. तो he's not bothered कि आप क्या बड़बड़ करते जा रहे हो विक्रम के सामने मैं कितनी बार आके क्रिप करूँ या कुछ अच्छी बात बताऊँ या कोई किस्सा सुनाऊँ तो वो बहुत देर तक रिएक्ट करेगा ही नहीं तो ये एक बात मैं विक्रम की उनके फैंस को बता रही हूँ पसंद करते हैं वो मुझसे जो है मेरी फैन फॉलोइंग कम हो चुकी नहीं उल्टा ये बहुत अच्छी बात है यू नो हाउ मेनी गर्ल्स आर गोना फॉल फॉर यू ऑल द मोर फैन फॉलोइंग डूड नहीं नहीं मुझे पता है बहुत फैन फॉलोइंग है इनफैक्ट जब से मैंने ज्वाइन किया शो मुझे भी आता है कि हम बहुत बड़े फैन हैं विक्रम सर के तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग मुझे सर क्यों बोलते हैं आई मीन जितने भी मतलब मुझे मैसेजेस भी आते हैं फेसबुक में आई एम 20 गाइस आई एम जस्ट 20 डोंट कॉल सर विक्रम जी इज फाइन Vikram, Vicky. Oh. Viku. We already have Vicky. Yeah, Viku Viku is better, no? Call me Viku. यार ये आरजे वाला काम एक्चुअली लोगों को लगता है कि आर्जिंग करनी बहुत ही आसान होती है आर्जिंग करनी इतनी आसान नहीं होती प्रॉपर कोर्स होता है जो कि मैंने नहीं किया है इन्होंने किया है तो आप मेरे से वकालत करवाओ और इनसे ही ये आर्जिंग करवाओ ठीक है एंड आई थिंक शी कैन डू अ बेटर जॉब एंड शी इज़ डूइंग अ बेटर जॉब इन दैट
और आपको मुझसे सेक्शन वगैरह पूछने हैं, किसी का चेक बाउंस होता है, किसी पे कोई केस हो जाता है, तो उस चीज़ में आपकी हेल्प कर सकता हूं। इसलिए मैंने उनका नंबर पहले दिन ही सेव कर लिया था, हाँ ये पहले दिन ही नंबर सेव करके जो है यहाँ पर इनफैक्ट सारे एक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट पहले डिस्कस करते हैं मेरे से कि जो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ऐसा है, इसका क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आई फील लाइक कि मैं शायद यहाँ पर एक्टर कम और एडवोकेट ज़्यादा हूँ अभी भी। एक ही मैसेज है कि 6 से 6:30 कुछ मत करो, सिर्फ चैनल वी देखो। आई नो वर्ल्ड कप इज देयर, फिर आईपीएल भी आ रहा है, बट आधा घंटा मिस कर दो यार। वेरी स्वीट एक्चुअली। मिलियन डॉलर गर्ल आप लोग देखिए, और अभी तक तो कोई ऐसे कोई खास कोई मैसेजेस मुझे नहीं आए कि मतलब, बट हाँ जितना भी मैंने, जितना मुझे विक्रम ने भी थोड़ा बहुत पढ़ाया था इंटरनेट पे, और मैंने भी पढ़ा जितना भी, तो आई थिंक नाउ यू ऑल शुड एक्सेप्ट मी एंड दैट्स अ रिक्वेस्ट। या यू रिक्वेस्ट दे लिसन टू यू प्लीज। आई रियली रिक्वेस्ट कि जो है प्लीज़ एक्सेप्ट सना एज द न्यू अवंती एंड शी इज़ डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब आई गेस एंड या शी इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड एंड ऑल्सो इफ़ यू सी हर सीन्स वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और द वे वो अपने सारे इमोशंस को लेकर आ रही हैं, मतलब हर सीन के अंदर जितना वो अच्छा परफॉर्म करती हैं, आई थिंक शी इज़ डूइंग अ कम्प्लीट जस्टिस टू हर रोल एंड टू द कैरेक्टर। शाम 6 बजे आप देख सकते हैं मिलियन डॉलर गर्ल बनारस टू पैरिस ऑन चैनल वी। Hope you have liked the video. We will be back soon with more such segments. Neha Sawan with cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Sana Sheikh Lajo from Gustak Dil and you're watching India Forums. And do subscribe to WhatsApp TV.